मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान हिंदू समुदाय भी जुलूस के स्वागत में खड़ा था और जुलूस पर उन्होंने फूल भी बरसाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जिले उज्जैन में मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। इस दौरान अचानक बैंड की धुन बदल गई और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। यह देखकर वहां मौजूद लोग अचंभित रह गए। इसके बाद चारों तरफ से फूल बरसाए गए। यही नहीं, लोगों ने एक दूसरे पर नोट भी न्यौछावर किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर स्थित तो उन्हेल में मुहर्रम के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की बड़ी मिसाल देखने को मिली। यहां पर जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, उस समय कचहरी चौराहे पर नगर परिषद के पार्षदों और अन्य नेताओं ने मुहर्रम का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। उन्हें निवासी उद्दाम खान ने बताया कि जब हिंदू परिवारों द्वारा फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा था, उसी समय बैंड की धुन पर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। इस दौरान मुस्लिम समाज ने भी आगे बढ़कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दी। उन्हें निवासी अंकित जैन के मुताबिक यहां पर हर साल हिंदू मुस्लिम समाज के लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। इसी कड़ी में मुहर्रम के दौरान एक और अनूठी मिसाल कायम की गई है। उन्हेल के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सचिन पाटनी ने बताया कि उन्हेल में कुल 18,000 लोगों की आबादी है। इनमें 11,000 के आसपास मतदाता हैं, जबकि दूसरी तरफ 4,000 मुस्लिम आबादी है, जिनमें 2,700 वोटर हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसके अलावा सभी के व्यापार व्यवसाय में भी एक दूसरे का सहयोग बना रहता है। मुहर्रम के जुलूस में हनुमान चालीसा के पाठ के अलावा सांप्रदायिक सौहार्द की कई और मिसाल उन्हेल ने कायम की है।